हम लोग बुनियादी चीजों पर भी इतना सुपरफिशियल हो जाते हैं उसका जनता में संदेश बड़ा खराब जाता है और टीवी पर हम माने ना माने बाकी जो धारणाएं मेरी है ऐसा नहीं कि मेरे को अद्भुत धारणा है वो धारणाएं मेरे सारे मित्रों की भी होती हैं जो उधर बैठे होते हैं पार्टियों में लेकिन वो टीवी पर हैं उनके साथ एक बंधन है न कपीश बाबू आज बस मत पढ़ो आपका नाम तो लिया नहीं फिर क्या बोल रहे है रुकना रुको उनके पास एक बंधन होता है वो सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते जैसे ईवीएम का रोना है सिद्धरमैया जीते तो ईवीएम पवित्र क्या क्यों भाई सुखू जीते तो ईवीएम पवित्र अखिलेश यादव जीते तो ईवीएम पवित्र बारह में बारह में ना, ना अब इनकी आवाज़ बन करिए बिल्कुल बारह में चुनाव बोट बैलेट से हुआ था क्या नहीं ना अगले यादव कैसे जीत गए थे कहां से वोट आया था इसलिए जो झूठ है ना छल है और ये जो पाखंड है ये बड़ा जनता में खिन्नता पैदा करता है आप लोगों के बारे में ये जान लीजिए इतनी बेमानी भी ठीक नहीं होती बस कर्नाटक में ईवीएम ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश वाली खराब है गजब करते हो ममता जीत जाए तो ईवीएम पवित्र ममता अगर मान लीजिए अगले चुनाव में हार जाए तो बोले ईवीएम था अच्छा दूसरी बात जब निकाय का चुनाव हो रहा था तो मैंने कहा था मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस संजय राणा इस निकाय के चुनाव में इसमें सारी हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी फिर भी लोग नहीं माने हिपोक्रेसी करते रहे उसके बाद भी आगे भी करेंगे राजनीतिक दल है मैंने कहा इसमें कुछ चुनाव ईवीएम से हैं कुछ बैलेट से हैं क्या बैलेट वाले में आपने झंडा गाड़ लिया था क्या नहीं ना आपने ईवीएम में गाड़ पाए झंडा ना बैलेट में गाड़ पाए खामो खा फिर नेता क्यों बन रहे हो फिर पीछे हो मानो कि जनता आपको वोट नहीं दे रही ये मानने में क्या समस्या है भाई मान लीजिए अभी ईवीएम से दो परसेंट आया हो सकता है बैलेट से डेढ़ ही बार रह जाए तब क्या करिएगा 2014, 17, 19, 22, चार चुनाव लगातार आप हार रहे हैं आप ये मानने को तैयार नहीं कि जनता आपके साथ नहीं है थे कर रहे हैं ऐसा जी हो गया जी वैसा जी हो गया आप ही नहीं ममता बनर्जी को यह अधिकार है बोलने का क्योंकि वो जीत के दिखा रही हैं नवीन पटनायक को यह अधिकार है जगन रेड्डी को यह अधिकार है आपको नहीं अधिकार है आप कोई तो चुनाव जीतो लोकतंत्र में तो चुनाव जीतने का है मामला है नहीं तो फिर सन्यास लो ऋषिकेश में आश्रम बनाओ खैर मूल बात ये कि गरीब को मकान मिला ये खबर नहीं सामान्य प्रक्रिया सब जगह होता है खबर ये कि उतने दुर्दांत अपराधी की कब्जाई हुई जमीन को खाली कराकर गरीब वहां स्थापित किया गया उसके लिए आवास सुनिश्चित किया गया वैधानिक तौर पर जिसके कुर्ते की जेब में सत्ता पड़ी रहती थी उत्तर प्रदेश की ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसके मतलब जज भाग जाए उसका फैसला मुकदमा सुनने बारह जज बारह जज छोड़ के चले गए ना ना अतीक पर नहीं उसको सजा भी हुई और फिर मारा भी गया ये महत्वपूर्ण है इसका संदेश देश भर में जाता है कि आप कितने भी बड़े बाहुबली हो जाएं आपके साथ ऐसा भी हो सकता है और मैं तो एक और नई बात कहता हूं सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी लिए अच्छी बात कहते हैं त्रिपाठी तो जी आप सब लोगों के लिए जितने भी राजनीतिक दलों कार्यकर्ता हैं अपने अपने नेताओं को देखिए गौर से सब दलों के लिए कह रहा हूं इसलिए हम पर फाल एकदम फालिन मत होइएगा देखिए नजर दौड़ाइए बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं बाबू नजर दौड़ाइए अगर सत्ता में आने के बाद से आपके नेता की कई हजार गुना संपत्ति बढ़ गई हो तो मैं तो कहता हूं उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दो उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करो क्या आप कब सबका भी भला होगा नहीं सबकी सैलरी पता है कपिल श्रीवास्तव हो चाहे अमिताभ अग्नोत्री माल जी विधायक रहे दस साल रहे, तो सैलरी तो रिकॉर्ड में है ना क्या फिर ये फार्म हाउस पेंट हाउस फलाना मर्सडीज बेंज टेंज ये कहां से आई? नहीं मैं तो कहता हूं कार्यकर्ताओं को चाहिए इन सबको पार्टी ऑफिस में लाके खड़े कर लो क्या और इनसे सारे कार्यकर्ता घूमो प्रचार करो नहीं ठीक नहीं है संजय राणा ये बात ठीक है कि नहीं गांधीवादी रास्ता है यह कार्यकर्ताओं को करना चाहिए अपने नेता से पूछिए कि गुरु हमने आपने एक ही साथ राजनीति शुरू की थी आप ये हजारों करोड़ के कारोबार में कब से खेलने लगे और हम चने मुरमुरे खा रहे त्रिपाठी तो जी नहीं क्या पार्टी दफ्तर में चुकाने का बिजली बिल चुकाने का पैसा नहीं बिजली कट जा रही है और नेता मौज ले रहे उनसे उनके घरों पर भी जाइए दस्तक दीजिए और सत्य का परचम फहरा दीजिए क्या उनके पेंट हाउस और फार्म हाउसों पर पार्टी का कार्यालय का बोर्ड लगा दीजिए कपीश जी से भी कहूंगा त्रिपाठी जी से कहूंगा राजबेन जी सबसे कहू और जनता के लिए खोल दीजिए अच्छी बात है ना त्रिपाठी जी अच्छी बात है ना ये क्या? आपकी तनख्वाह से ज्यादा काम माल क्यों रहे आपके पास नहीं इसका मतलब कुछ गड़बड़ क्यों बात मानने में क्या समस्या है अगर त्रिपाठी जी, जी और कोई एक्स एक ही साथ राजनीति में आया उसका भी कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं त्रिपाठी जी का भी नहीं तो दोनों की स्थिति लगभग एक सी होनी चाहिए नहीं एक आदमी करोड़ों में खेल रहा है मैं कहूंगा जयप्रकाश और लोहिया की भाषा बोलूंगा उसके खिलाफ जन विद्रोह करिए तब ये लोग सीधे लाइन पर आएंगे जिंदाबाद करेंगे तो लाइन पर नहीं आएंगे कभी वो जानते हैं कि ये लोग तो क्या है बतासा दे देंगे थोड़ा बहुत जिंदाबाद करने लगेंगे नहीं ये ये मत करिए और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां रहेंगी मिटेंगी नई बनेंगी नेता भी उम्र भर जिएंगे फिर दूसरे नेता आएंगे लेकिन चीमटे से भी अतीक जैसे किसी को छूने की कोशिश मत करिए लक्षणा में व्यंजना में किसी भी माहौल से ऐसा मत करिए भारत की राजनीति से यह स्याह पन्ना हमेशा के लिए अलग होना चाहिए इसमें कंपटीशन मत करिए कि मेरे पास अगर चार अपराधी हैं तो तेरे पास भी तो दो हैं ये 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 कंपटीशन का समय कब की बात है क्या सब प्रण करिए कि हम अपराध से मुक्त दूर रहेंगे अपराधी से दूर रहेंगे मुझे अच्छा लगता आप दूसरे मुद्दों पर आलोचना करते लेकिन अगर आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़े मन से ये कहती कि अमिताभ जी बाकी सो है, सो है ये काम अच्छा हुआ तो गरीब को एक संदेश जाता ये बौद्धिक व्याख्यान का समय कहां था ये? ये मन का मसला था आज हिंदुस्तान भर के गरीब को एक संदेश गया जब उसमें गरीब रहेगा तो वो उस जीवन पर्यंत सोचेगा कि ये किसकी जमीन थी बोले अतीक की अरे बोले भाई जय हो लोकतंत्र की ऐसा भी हो सकता है छोटी बात है क्या आज अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तब भी मैं यही बोलता नरेंद्र जी ऐसा करते तब भी मैं यही बोलता आप लोग ऐसा नहीं करते कुछ विषयों पर आ, सच को सच कहने से ये नहीं होगा कि आप भाजपा हो जाएंगे नहीं आप कांग्रेस ही रहेंगे बसपाई ही रहेंगे सपा ही रहेंगे लेकिन सच को सच कह दीजिए इसमें क्या आलोचना का विषय है हमारे एक मित्र ने कहा कि टैक्स के पैसे से मकान बनवा के फिर चाबी बांटोगे अपना घर बेच के कौन सरकार चलाया घर भर लिए सरकार चला के घर बेच के कौन सरकार चलाया बताइए कोई नहीं ना और जो भी जो कुछ बांटा बनाया टैक्स के पैसे से बनाया ना तब इस बात की से चिड़न पता लगती है कि हम चिढ़ रहे हैं इरिटेट हो रहे हैं कि सरकार में क्यों है स्वस्थ विरोध करिए रचनात्मक विरोध करिए मुद्दों पर विरोध करिए लेकिन ना इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर कहीं कुछ सही हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए वो किसी दल की सरकार में हो रहा हो सिद्धरमैया कोई अच्छा काम करे मैं उसके साथ हूं ममता जी का अच्छा कोई कदम होगा मैं बीजू नवीन बाबू की अक्सर प्रशंसा करता हूं उड़ीसा के कामकाज को देखकर जो अच्छा कर है उसकी तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए करना चाहिए देश सबका है पार्टियों में विभाजन है मित्र देश में तो विभाजन नहीं ना देश तो सबका है और ऐसा ही होना चाहिए मैं कहूंगा एक सुझाव रखता हूं पूर्वक देश के हर राज्य को ये व्यवस्था अपने यहां लागू करनी चाहिए अपराधियों द्वारा अपहत की गई जमीन को अभिमुक्त कराइए और वहां गरीब के लिए मकान बनवाइए गरीब को मकान की चाबी वहां आप ही की फोटो लगेगी जो बनवाएगा इसलिए इससे मत डरिएगा कि योगी जी अच्छा काम कोई करे उसे सीखना चाहिए धन्यवाद